सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया और आयरलैंड की जो T20 की सीरीज़ होने वाली है उसके लिए भारतीय टीम का स्क्वाड क्या होने वाला है और क्या उस सीरीज़ में विराट कोहली खेलने वाले हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दूँ कि मैंने जो है ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि जो भारतीय टीम का स्क्वाड है आयरलैंड सीरीज़ के लिए वो क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आप सभी को जो है एक और बार फिर से बता देता हूं भारतीय टीम का स्क्वाड जो कि आयरलैंड की दो T20 सीरीज के लिए होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बैट्समैन की, तो बैट्समैन में जो है विराट कोहली होंगे कैप्टन, फिर शिखर धवन, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और मनीष पांडे। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में जो है वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, अब बात करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन की, तो विकेट कीपर बैट्समैन में जो है KL राहुल, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक। और दोस्तों, एट द एंड बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में जो है युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल और उमेश यादव। तो दोस्तों, ये होने वाला है भारतीय टीम का स्क्वाड जो कि दो T20 सीरीज खेलने वाली है आयरलैंड के साथ में। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विराट कोहली इस सीरीज में खेलने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है वो भारतीय स्क्वाड में आया है। सबसे पहले आप सभी को बता दूँ कि जो विराट कोहली का 15 जून को फिटनेस टेस्ट हुआ था उसके अंदर जो है विराट कोहली ने बड़ी आसानी के साथ में फिटनेस टेस्ट को पार किया है और उसी के साथ साथ जो है विराट कोहली आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों की सीरीज के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग को जो है अभी भी पता नहीं था कि जो विराट कोहली है वो आयरलैंड के सीरीज़ में खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि जो विराट कोहली है वो इस सीरीज़ के लिए उपलब्ध और अवेलेबल दोनों रहने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।